किसी भी मैकेनिकल काम को करने से पहले उसकी मशीनरी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेज। और आज का हमारा टॉपिक ऐसी ही एक मशीनरी पे बेस्ड है, जो कि है सीव, मैश, शेकर, ग्रैनुलेटर। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सीव, मैश, सीव शेकर एंड अ ग्रैनुलेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सीव एंड व्हाट इज अ सिफ्टर। देन फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज सीव। सीव इज़ अ डिवाइस फॉर सेपरेटिंग वांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम अनवांटेड मटीरियल और फॉर करेक्टराइजिंग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल। सीव एक ऐसा डिवाइस है जिससे वांटेड जो एलिमेंट्स हमें ज़रूरत है जिनकी, उनको हम अनवांटेड मटेरियल से अलग कर सकते हैं, या जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको वांटेड मटेरियल से अलग कर सकते हैं। या हमें एक पर्टिकुलर साइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि इतनी फाइननेस चाहिए, कोई भी पाउडर हो, कुछ भी हो, तो हम उसको सीव करके उस पर्टिकुलर साइज़ का पार्टिकल ले सकते हैं, सैम्पल कलेक्ट कर सकते हैं। सीविंग और सिफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर आर सेपरेटेड ईच अदर। कि सीविंग और सिफ्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पाउडर के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स को सेपरेट करती है। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीव्स यूज फॉर सिफ्टिंग पाउडर एंड फॉर प्रिपेयरिंग ग्रैन्यूल ऑफ रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज। ऑर्डिनरी सीव्स यूज इन फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ सर्क्यूलर वुडन और मेटल फ्रेम इन विच वायर क्लोथ मेड ऑफ कॉपर अलॉय एसेस हेयर सिल्क फिटेड हैविंग स्पेसिफिक डायमीटर। जो ऑर्डिनरी सीव्स फार्मेसी में यूज़ होती हैं वो सर्क्यूलर वुडन या मेटल फ्रेम की बनी हुई होती हैं। उनके जो वायर होते हैं, वो जो वायर क्लॉथ होता है, वो या तो कॉपर अलॉय का बना हुआ होता है या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, हेयर सिल्क इन सब का, और एक स्पेसिफिक डायमीटर का बना हुआ होता है। ईच सीव गिवन अ डेफिनेट नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ मैशेज ऑफ स्टैंडर्ड डायमीटर प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर और अ इंच। कि हर एक सीव के अंदर एक डेफिनेट नंबर होता है, वो नंबर किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ मैशेस को, मतलब एक स्टैंडर्ड डायमीटर प्रेजेंट होता है जो कि उसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर या एक इंच। नंबर मेंशन फॉर सीव इज नंबर ऑफ मैशेस नॉट नंबर ऑफ वायर्स। जो सी जैसे कहते हैं 30 नंबर की सीव दे दो, 20 नंबर की सीव दे दो, तो जो सीव का नंबर होता है वो नंबर ऑफ मैशेस होता है, ना कि नंबर ऑफ वायर्स। जैसे कि कहें कि 10 नंबर की सीव है तो उसमें 10 मैशेस होते हैं। इन सीविंग प्रोसेस पाउडर पास्ड ओवर परफोरेटेड स्क्रीन विच इज शेकर। जब छलनी को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो जो पोर्स होते हैं उनमें से पाउडर निकल जाता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स स्मॉलर देन मैश साइज विल पास थ्रू सीव एंड ओवरसाइज पार्टिकल रिमेन ऑन दी सीव। कि जो पार्टिकल स्मॉल होते हैं वो तो मैश में से निकल जाते हैं, और जो पार्टिकल मैश साइज से बड़े होते हैं वो सीव के ऊपर ही रह जाते हैं। ये जो डायग्राम है ये डिनोट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीव्स को। ये अलग अलग नंबर की सीव्स हैं जिनमें मैशेस का डायमीटर अलग अलग है। मैश, मैश इज सिमिलर टू वेब और नेट। की जैसे हम कहते हैं जाल या नेट जो होता है उसकी जैसे सिमिलर होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे वुवन स्ट्रैंड्स अटैच्ड होते हैं। मैश इज़ अ सेमी परमिएबल बैरियर मेड ऑफ कनेक्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ मेटल और अदर फ्लेक्सिबल मटीरियल। जो मैश है वो एक सेमी परमिएबल बैरियर है जो कि मेटल का या अलग अलग फ्लेक्सिबल मटीरियल से बना हुआ होता है। प्लास्टिक मैश और मेटल मैश दो टाइप के मैशेज होते हैं। प्लास्टिक मैश जो होता है इट मे बी एक्सट्रूड्स ओरिएंटेड वोवन ट्यूबुलर, इट कैन मेड फ्रॉम पॉलीथीन नाइलॉन पीवीसी और पीटीएपी। जो मेटल मैश है बी वोवन नीटेड वेल्डेड एक्सपेंड्स फ्रॉम स्टील और अदर मटीरियल। जो मैश का यूज़ है वह टू स्क्रीन आउट अनवांटेड थिंग्स।
कि कोई भी अनवांटेड थिंग्स है उनको अलग करना। ये मैश का वर्क है। यहाँ पे दिस इज़ अ डायग्राम विच इंडिकेट्स मैश। नेक्स्ट वन इज सीव शेकर। सीव शेकर इज़ अ डिवाइस यूज टू शेक अ स्टैक्ड कॉलम ऑफ स्टैंडर्ड सीव टेस्ट ट्रेस टू कॉज सॉलिड्स टू सिफ्ट प्रोसेसिवली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप इज़ द लार्ज ओपनिंग एंड बॉटम इज द स्मॉल ओपनिंग एंड द फाइनल पैन अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। ये जो शीव शेकर है ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक स्टैक्ड कॉलम होता है। कंटिन्यूसली एक स्टैंडर्ड साइज की जो है वो एक कॉलम के अंदर सीव रखी हुई होती हैं। उसको एक शेकर की हेल्प से शेक किया जाता है। कंटिन्यूसली वो टॉप टू बॉटम शेक होकर गिरता जाता है और फाइनली एक पैन में कलेक्ट हो जाता है जो भी डिज़ायरेबल साइज का हमें पार्टिकल चाहिए होता है। जो टॉप होता है उसकी ओपनिंग लार्ज होती है, जो बॉटम होता है उसकी ओपनिंग स्मॉल होती है। सो इट इज़ अ सीव शेकर। ये शेक करके सीव करने में वो काम आता है। दिस इज अ सीव शेकर मशीन। नेक्स्ट वन इज ग्रैन्युलेटर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मशीन इन प्रोसेस ऑफ ग्रैन्युलेशन एंड टैबलेट मेकिंग एज क्वालिटी ऑफ टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ ग्रैन्युल यूज्ड फॉर इट्स कंप्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है क्योंकि इसके अंदर जो टैबलेट का ग्रैन्युलेशन होता है, टैबलेट्स बनती हैं एक ग्रैन्युल के फॉर्म में और क्वालिटी टैबलेट बनाई जाती हैं जो कि डिटरमाइन होता है जो ग्रैन्यूल की क्या क्वालिटी है उस बेसिस पे जो हमें जिस साइज़ का डिज़ायरेबल ग्रैन्यूल चाहिए होता है उसकी क्वालिटी क्या है वो उस पर डिपेंड करता है कि टैबलेट की क्वालिटी क्या होगी। ये कंप्रेशन के उससे बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एंड परसेंटेज ऑफ ग्रैन्यूल्स कैन बी अचीव बेटर कंपेयर टू अदर प्रोसेसिंग मशीन्स लाइक मल्टी मील कम्युनिकेटिंग मील एक्सेट्रा। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ ग्रैन्युलेटर। ये ग्रैन्युलेटर मशीन है जिससे टैबलेट कन्वर्जन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।